ये तो नाजरीन आज काशिफ अब्बासी ने वीडियो चला दी फवाद चौधरी की, जिसको देखकर फवाद चौधरी बहुत शर्मिंदा भी है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसमें डिटेल में बात करते हैं। मसला ये कि एक तो आप जब कहते हैं कि सारे नए इनएक्सपीरियंस लोग हैं, क्योंकि आप लोग सारे छोड़ के चले गए। पार्टी का पूरा जनरल रिजाइन कर दिया, सीनियर नायब सदर ने रिजाइन कर दिया, जेड़ा आ रहा था वो कहता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, बड़ी मेहरबानी मैं जा रहा हूँ। सही बात, क्या सिर्फ एक आप अपना फिक्रा दुरुस्त कर लेना, छोड़ के नहीं चले गए, छुड़वा दिए गए। अभी आप कह रहे हैं मैं पार्टी में हूँ, नहीं जिस कैडर की आप बात कर रहे हैं, छोड़ी किसी को बिंदा, कोई भी बंदा जो है ना, मैं बल्कि शाह महमूद कुरैशी तो अभी भी पार्टी में, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी में है, बाकी लोगों के साथ अपनी अपनी कहानी है, कई लोगों के साथ जो जो गुजरा है, बहुत सारी चीजों का आपको पता है, बहुत सारी चीजों का पाकिस्तान पूरे को पता है। यार यास्मीन, मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर हैं आज, हाँ अंदर साल, साल से अंदर, तो देखो ना 7 महीने तो मैं भी जेल में रह के आया हूँ ना, लेकिन आप पार्टी की वजह से नहीं रहे ना, जिसकी वजह से आपकी वापसी का रास्ता बना वो मैं आऊंगा इसके ऊपर दूसरे हिस्से में। नहीं नहीं, मैं कि आपको दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया जब आपने पार्टी छोड़ दी, उनके कहने पे इस्तेकाम पार्टी में चले गए। कब चला गया, झगड़ा क्या था इस्तेकाम पार्टी, ये कौन है मुझे जरा दिखाएं, ये कौन बैठा, जरा दिखाएं कैसे मैं बैठा हूं, कैसे ये क्या बात, ये तो एक दिन पहले की बात है, एक दिन पहले भी इस्तेकाम पार्टी थी ना, कोई इशू नहीं है। जहांगीर तरीक ये आप, हाँ क्यों मुंह छुपा रहे थे, क्यों मुंह छुपा रहे थे, क्योंकि मर्जी से नहीं गए थे। किसकी मर्जी से गए थे, जो भेजने वाले थे उनकी मर्जी से गए थे, जिन्होंने आपसे ये ट्वीट कराया था, हाँ या किया था, कराया था या किया था, कराया था किया था चलो मेरी किताब में आ रहा है पूरा। वैसे किताब में एक चैप्टर मैंने, मुझे लगता है इस्तेकाम पार्टी के ऊपर एक पूरा चैप्टर होना चाहिए, इस्तेकाम में दो चैप्टर है, दो है, मुझे यकीन था कि उसके अंदर इतना कुछ हुआ है उस इस्तेकाम पार्टी के साथ। सो आपने ये कहा कि ये वाडा साहब का क्या रोल था, किसका, ये सारे में एक खबर चली थी उस दिन, बल्कि मेरी खुद बात हुई नहीं, फैसल ने तो खैर टू बी फेयर विद, ये सारी जो ऑर्डियल थी उसको खत्म कराने में फैसल ने तो मेरा बड़ा साथ दिया, और उन्हीं की मौजूदगी में आपने ये ट्वीट किया था, हमारा दोस्त था, नहीं मैंने ट्वीट, और उन्होंने बाद में भी आपका बड़ा ख्याल, हाँ नहीं ख्याल किया, फैसल ने बड़ा ख्याल किया, जो कई दोस्त हैं जो उन्होंने ख्याल करते हैं, जो उन्होंने किया, आपने उन दोस्तों का, वैसे बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जिनका आपने लिहाज नहीं रखा, बात नहीं किसका, नहीं शेख वकास अकरम साहब का आपने, शेख वकास ने मेरा लिहाज नहीं रखा, मैं तो नहीं बोला था, वकास जो है हमें मामा बन गया, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं, मामे का जवाब उन्होंने आपको दिया, अगर कहें मैं बड़ा एब्रप्ट प्रोग्राम चल रहा है, मैं वापस आता हूं उसके ऊपर, लेकिन सुने वकास साहब क्या कहते हैं आपको, बिल्कुल मामे लगते हैं, हम भी लगते हैं और हम चाचे भी लगते हैं, तो बात सोच समझ के करनी चाहिए, जब पुराने मामे चले जाते हैं ना तो फिर नए मामे आ जाते हैं, अगर इतना ही दुख हो नए मामों का तो फिर पुराने मामों को अपनी जगहों पे रहना चाहिए, अगर वहां से निकले और आईपीपी में चले गए तो इमरान खान को छोड़ के चले गए, अभी आप पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है, याद करें आप चले गए थे, याद करें आप जहांगीर तरीन के साथ मीटिंग्स करते रहे, याद करें आपने कहा था मैं सियासत ही छोड़ता हूं, और याद करें कि आप जेल में शाह महमूद को मिलने गए थे, नहीं बिल्कुल शेख वकास साहब तो ये बातें नहीं कर सकता ना, शेख वकास के साथ तो वही कुछ नहीं है, शेख वकास तो आया आके एमएनए की टिकट ली, एमएनए हो गया, अंडरग्राउंड क्या हुआ है, जेल में रहा है, क्या हुआ है, अंडरग्राउंड रहा है, अंडरग्राउंड रहा है 9 मई से लेकर इलेक्शन के दिन तक, बात यह अनलाइक वकास एंड अनलाइक रऊफ हसन एंड अनलाइक अदर्स, मैं लोगों की तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मेरे ख्याल में जो हमाद ने कुर्बानी दी है, जो असलम इकबाल ने कुर्बानी दी है, इवन जो वकास ने दी है या जो बाकी लोगों ने दी है, आई रिस्पेक्ट दैट, और मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा किया, लेकिन देखें इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर टॉर्चर को मॉक करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये, जब आप ये बयानियां बनाते हैं ना कि आप छोड़ के चले गए, आप क्या कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ब्रुटैलिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जो लोगों पे फस्ताइयत जुल्म हुआ है आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं ये तो चूंकि रैम्बो, आपका तस्वुर ये है बहुत सारे लोगों का कि जिस तरह रैम्बो के साथ वो दुनिया जहान का तशद्दुद हुआ ना और वो खड़ा हो गया और उसने नीचे से गोली लगाई और वो मार किया और वो निकल गया, ऐसे नहीं होता, लोगों की बहुत जुल्म हुए, बहुत सारी कहानियां सामने आ गई हैं, बहुत सारी कहानियां। तो जैसा कि आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी फवाद चौधरी की, फवाद चौधरी जो हैं ये काफ़ी देर बाद जो है मंदिर आम पर आए हैं और इन्होंने कुछ ये बताने की ज़रूर कोशिश की कि इनके साथ क्या हुआ, ज़बरदस्ती ट्वीट कराए गए, इनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। अब मामला ये है कि इमरान खान कैसे माने, इमरान खान नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इमरान खान को ये पता है कि जो लोग डटे रहे हैं वो तो डटे रहे हैं और जो नहीं डटे, मतलब फवाद चौधरी उन लोगों में थे जो सबसे पहले जो पार्टी से निकल गए थे और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उसके बाद काशिफ अब्बासी ने इनकी वीडियोस भी चलाई जिसमें ये मुंह छुपा के बैठे हुए थे, तो ये जहांगीर तरीन की पार्टी में इन्हें शामिल होने का कहा गया था, तो जाहिर बात है ये इमरान खान इनको ये नहीं कहेंगे कि ये डरपोक है, बल्कि वो ये कहेंगे कि भाई
अब जिन लोगों के हाथों में आप खेल चुके हैं, जिनकी वजह से पार्टी छोड़ी है, अब वो दोबारा मतलब मैं आपको ले लूँ और उसके बाद वो फिर आपको पार्टी छोड़ने का कहें, फिर से आप पे दबाव डालें और आपसे बर्दाश्त ना हो, या आप हमारी अंदर की इन्फॉर्मेशन उनको दें, तो ये इमरान खान को आप बारे में नहीं है बात। तो व्यूअर्स, आपको कैसी इनकी गुफ्तगू लगी? अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का जरूर कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।